जो इसमें कर्व्स वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर दिया है इन्होंने, ये देखो कैसे बेंड हो रहा है। ये डुअल पोर्ट में आता है, तो डुअल पोर्ट में कंपनी क्लेम करती है कि इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा बनाया गया है, बहुत ज़्यादा आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगी इसमें। काफ़ी बढ़िया लगा, कंसोल बहुत प्यारा लगता है इसका। सो गाइस, दिस इज न्यूली लॉन्च होंडा डीओ 125cc। सो डीओ पहले जो आती थी वो 110 में आती थी, और अभी कंपनी ने लॉन्च कर दी है 125cc में, बिकॉज कस्टमर्स की काफ़ी डिमांड रह रही है 125cc सेगमेंट में। तो 125cc सेगमेंट स्कूटर्स में एक और एड ऑन हो चुका है, जो कि है ये हमारे सामने होंडा डीओ। सो आज की वीडियो में वॉक अराउंड रिव्यू रहने वाला है, सो इसके बारे में बात करेंगे, इसके सभी फीचर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। मॉडल की बात करेंगे तो डीओ 125 में आपके दो मॉडल आ जाते हैं, एक आ जाता है आपके पास स्टैंडर्ड मॉडल STD और एक आ जाता है H स्मार्ट। सो ये जो वेरिएंट है ये है स्टैंडर्ड वेरिएंट, H स्मार्ट वेरिएंट का भी रिव्यू आपको चैनल में देखने को मिल जाएगा। और कलर वेरिएंट की बात करेंगे तो कलर ये जो मिल रहा है ये है पर्ल नाइट स्टार ब्लैक। सो फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट में कुछ इस तरह से लुक आ जाती है, यहाँ पे बीक आ जाती है, यहाँ पे आपको DRL मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया लुकिंग यहाँ पे आपको DRL मिल जाते हैं, होंडा की यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाती है, नंबर प्लेट यहाँ पे लग जाएगी, और उसी के नीचे आप देखोगे तो यूनिट कुछ इस तरह से मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कट एंड कर्व्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बल्कि यहाँ पे लुक देखने को मिल जाती है फ्रंट में। सो हेडलाइट आपको इसमें वाइट में मिल रही है, हाई बीम लो बीम यहाँ पे सेपरेट मिल जाता है, सो देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। सो इसका थ्रो भी अच्छा ही मिलने वाला है आपको, अब इसको ऑन करके देख लेते हैं। ऑन करने पे सबसे पहले लो बीम तो आपकी ऑन रहेगी और हाई बीम इसकी ऑन कर लेते हैं। सो हाई बीम पे कुछ इस तरह से लाइट मिल जाती है, हेडलाइट यूनिट मेरे को काफ़ी पसंद आया। जो इसमें कर्व्स वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। पे टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिल जाएगा, इसके साथ यहाँ पे बॉडी ग्राफिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 125cc का यहाँ पे टेप वर्क देखने को मिल जाएगा। सो ये फाइबर पार्ट ही पूरा दिया गया है, सो ये काफ़ी ज़्यादा बेंड हो रहा है अंदर, थोड़ी सी और बिल्ड क्वालिटी देनी चाहिए थी इनको। बाकी ग्राफिक वर्क तो काफ़ी बढ़िया किया गया है यहाँ पे भी, और यहाँ पे मडगार्ड पे देखोगे तो यहाँ पे भी ग्राफिक वर्क अच्छा किया है, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर दिया है इन्होंने, ये देखो कैसे बेंड हो रहा है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। फ्रंट टायर की बात करेंगे तो फ्रंट टायर इसमें आपको मिल रहा है 90x90 12 इंचज़ का आपको इसमें अलॉय व्हील मिल रहा है। सो व्हील काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, मैट फिनिशिंग में आता है ये। इसके साथ यहाँ पे MRF के टायर देखने को मिल जाते हैं, और ये जो वेरिएंट है ये है स्टैंडर्ड वेरिएंट, तो इसमें यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी फ्रंट एंड रियर में। और जो टॉप मॉडल आता है इसमें H स्मार्ट, उसमें आपको फ्रंट डिस्क भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे फ्रंट में, और उसी के साथ यहाँ पे देखोगे तो कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ पे दी गई है, कार्बन फाइबर नहीं है लेकिन फिनिश वैसी ही बनाई गई है। सो ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी इसकी। सो अभी साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया साइड प्रोफाइल इसमें मिल रही है। इंजन इसमें आपको मिल जाता है 124cc का 4-स्ट्रोक इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.2 PS एंड 10.4 NM टॉर्क। यहाँ पे स्पेस देखोगे तो स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, नी रूम काफ़ी अच्छा दिया गया है कि आप आराम से जा सकते हो, जिस भी हाइट के आप होंगे आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे पिलियन फुटपैक मिल जाते हैं, टूथपिक में मिलते हैं, तो ग्रिप काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं ये। साइड में यहाँ पे आपको डीओ का स्टिकर मिल जाएगा, तो स्टिकर वर्क काफ़ी बढ़िया किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छा इसमें थीम दे दी गई है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट देख लो तो एग्जॉस्ट कुछ इस तरह से मिल जाता है, ऊपर आपको सिल्वर की यहाँ पे फिनिश मिल जाती है। एंड ये डुअल पोर्ट में आता है, तो डुअल पोर्ट में कंपनी क्लेम करती है कि इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा बनाया गया है, थोड़ी देर बाद मैं आपको ये सुना दूंगा एग्जॉस्ट नोट इसका। तो रियर टायर इसमें मिल रहा है 90x100 10, तो 10 इंचज़ का ही रियर में भी आपको टायर मिल रहा है, लेकिन रियर में थोड़ी सी आपको इसमें प्रोफाइल चेंज मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट टायर। और इस रियर में भी आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है, रियर कुछ इस तरह से लुक आ जाती है इस स्कूटर की, काफ़ी बढ़िया लुक बनाई गई है, मस्कुलर लुक मिल जाती है आपको इसमें। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर साइड में मिल जाएंगे, हेलोजन में ही आते हैं, और टेल लैंप भी यहाँ पे हेलोजन में मिलने वाला है, लेकिन असेंबली जो ये बनाई है काफ़ी बढ़िया बनाई गई है। यहाँ पे आपको वही कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिल जाती है, उसी के नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी, एंड नंबर प्लेट लाइट यहाँ पे येलो में मिल जाती है, यहाँ रिफ्लेक्टर।
इस साइड से बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। किक स्टार्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता है स्टैंडर्ड वेरिएंट में, और जो टॉप वेरिएंट है इसका एच स्मार्ट वेरिएंट, उसमें किक नहीं मिलती आपको। रियर सस्पेंशन कुछ इस तरह से मिल जाता है, 3-स्टेप एडजस्टेबल के साथ आता है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको साइलेंट मोटर मिल रही है, जैसे एक्टिवा में भी आपको देखने को मिली थी होंडा की तरफ से, तो इसमें भी वो साइलेंट मोटर बना दी गई है, जिसकी वजह से साइलेंट स्टार्ट मिलता आपको, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है। पिलियन फुटपैक, साइड स्टैंड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और साइड स्टैंड के साथ साथ यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कट का सेंसर भी लगाया गया है, जिसकी वजह से आपका इंजन ऑफ हो जाता है जब भी आप साइड स्टैंड लगा देते हो। यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर मिल जाता है, सो काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं कंपनी ने। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, ग्रैब हैंडल आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं ये। ये जो हाउसिंग आपको दिख रही है, ये दिख रही है आपको एक्सटर्नल फ्यूल लिड की, सो इसको ओपन करना हो तो यहीं से ओपन हो जाता है ये। सो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखोगे अंदर, लेकिन आपको ये खोलना ही पड़ेगा खुद, तो इसको बंद कर लेंगे अभी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें। और सीट की बात करेंगे तो सीट कुछ इस तरह से मिल जाती है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी सीट लगी, कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा मिलने वाला आपको इसमें, एंड ब्रॉड सीट मिल रही है, सो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप इसमें बैठोगे। सो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं अभी, वो भी इधर से ही ओपन हो जाएगा। सो ओपनिंग कुछ इस तरह से मिल जाती है आपको, यहाँ पर टूल मिल जाते हैं दो, और उसी के साथ साथ स्पेस कुछ इस तरह से मिल रही है। कंपनी ने तो क्लेम किया था कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यार आपको स्टैंडर्ड स्पेस ही मिल रही है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगी इसमें। सो इसको बंद कर लेते हैं अभी। एंड यहाँ पे फ्रंट में बात कर लेते हैं, ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, तो इसमें भी आप फ़ोन रख सकते हो और छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, तो स्पेस काफ़ी अच्छी दी जाती है इसमें। ये एक फ्रंट हुक यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि अराउंड 5 kg तक आपका यहाँ पे बाहर उठा लेगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी दिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा हिडन में आपको देखने को मिल जाता है ये। सो इसको आपको जस्ट ऐसे बाहर निकालना है, सो यहाँ पे भी आप अपना कैरी बैग यहाँ पे टांग सकते हो। सो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को ये। हैंडल बार कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया लगा। कंसोल बहुत प्यारा लगता है इसका। कंसोल की बात करने से पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं स्विचेस की, तो लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे हाई बीम, लो बीम एंड पास का एम्बेडेड स्विच मिल जाता है इसी में, और टर्न इंडिकेटर स्विच यहाँ पे मिल जाता है, एंड हॉर्न, तो हॉर्न मैं सुना देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से हॉर्न मिल जाता है जैसे एक्टिवा में ही आता है। और राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड आपको इसमें इंजन स्टार्ट का बटन मिल जाता है, और ऑटो ऑफ का यहाँ पे फीचर दिया गया है, सो काफ़ी बढ़िया लगता है ये। और यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन फाइबर फिनिश जो दी गई है यार, वो बहुत अच्छी लगती है। बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ऑन कर लेते हैं इसको। ऑन करने पे कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आ जाता है इसका, यहाँ पे आपको फुली डिजिटल में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर की यहाँ पे साइड पे आ जाते हैं दोनों साइड, सो इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। सो साइलेंट स्टार्ट मिलता है, ऑन हो चुकी है ये। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ईको का यहाँ पे शो कर देगा, उसी के साथ यहाँ पे टेलटेल लाइट्स आ जाती हैं, बीच में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, आरपीएम मीटर बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, दोनों साइड से बार्स यहाँ पे रेज होते हैं जब भी आप आरपीएम देते हो इसमें। उसी के नीचे यहाँ पे देखोगे तो ओडोमीटर दिख जाता है, साथ में क्लॉक आ जाएगी, उसके नीचे फ्यूल गेज, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे ट्रिप शो कर देगा, यहाँ पे एवरेज शो कर देता है, एवरेज शो कर देगा, रियल टाइम माइलेज आ जाती है इसमें, यहाँ पे रेंज आ जाएगी। सो इतना कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सो काफ़ी बढ़िया ये बनाया गया, मेरे को देखने में काफ़ी बढ़िया लगा ये। सो इसकी लुक्स दूर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं, और कीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ जो मैंने पहले नहीं दिखाई थी। सो की कुछ इस तरह से मिल जाती है जैसे आपको एक्टिवा में मिलती थी, सो इसको यहाँ पर लगा लेते हैं वापस से। सो अभी बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट की, जो कंपनी ने क्लेम किया है काफ़ी बढ़िया एग्जॉस्ट नोट दिया गया है इसमें, तो इसको ऑन करके देख लेते हैं। साइलेंट स्टार्ट मिलता है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, और ये एग्जॉस्ट नोट मिल रहा है इसमें। सो कुछ इस तरह से एग्जॉस्ट नोट मिलता है, तो नॉर्मली लगा मेरे को। सो गाइस, मैंने आपके साथ सभी चीज़ें डिस्कस की इसकी, और ये वेरिएंट था DO 125 स्टैंडर्ड वेरिएंट। सो आपको कैसे लगा ये वेरिएंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।